चलाते मेरी बाइक पक्का, लेके भाग तो नहीं जाओगे? लेके भाग नहीं जाएगा ना, चला सकते हैं। चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मुझे स्लो 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 स्लो। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज अपने साथ एक इलेक्ट्रिक बाइक, ये कंपनी ई मोटोराड इन्होंने हमें भेजी है। पिछले एक महीने से ये बाइक को मैं चला रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, फैट टायर कैटेगरी में इसको रखा गया है। आपको पता चल गया होगा कि ये फैट टायर कैटेगरी में क्यों रखी गई है, बिकॉज इसके दोनों टायर बहुत ही फैट है। ये जो रेगुलर ई बाइक होती है या फिर रेगुलर जो ई साइकिल होती है उनसे काफ़ी डिफरेंट है, दिखने में काफ़ी ट्रेंडी एंड स्पोर्टी दिखती है। स्पेशली जब आप इसको रोड पे लेके जाओगे या फिर भीड़ में कहीं चलाओगे आप, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान ये अट्रैक्ट करने वाली है। कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया है, ई मोटोराड, और जो मॉडल है उसका नाम है डूडल। अब ये बाइक को आप ऐसा समझ लो कि आप फैट टायर जो इलेक्ट्रिक बाइक होते हैं उनकी ये एसयूवी समझ लो। अब इसके कुछ यूनिक फीचर्स भी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूंगी, इसमें आपको दो कलर आते हैं, एक ग्रीन और दूसरा ब्लैक। तो दोनों ही कलर ऑप्शंस में आप एक चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ग्रीन का काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि ग्रीन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ जो स्टिकर्स वगैरह लगाए गए हैं, जो नाम लिखा गया है उस पर आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा ग्रीन देखने को मिलेगा। बाकी व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें आपको दिया गया है। ओवरऑल जो वेट है ये बाइक का 28 किलो कंपनी ने बताया है। अगर आपको इसको उठाना है तो बहुत इजी है, यहाँ पे उठाने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया है, तो इसको आप ग्रैब कर सकते हैं और इसको ऐसा उठा सकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा यू नो हैवी फील होती है, स्पेशली जब आपको स्टेयर से, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, आपको स्टेयर से इसको नीचे लेके जाना है तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। टायर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी फैट टायर दिए गए हैं, आप ये साइड में देख सकते हैं। आपको एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो ये काफ़ी फैट टायर यहाँ पर आपको दिया गया है। ये ट्यूब वाले टायर है एंड चलाने के टाइम पर आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। एंड इसमें आपको स्पोक वाले रिम्स दिए गए हैं, चेसी जो बनी हुई है एल्यूमिनियम की है, एंड काफ़ी लाइट वेट कंपनी ने ट्राई किया है कि इसको रखा जा सके। एलईडी लाइट दी गई है जिसको आप यहाँ पे बटन जो दिया गया है उससे आप ऑन कर सकते हैं। आपको एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, पहले इसका की ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका की दिया गया है, तो शायद अभी आपको दिख रही होगी, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये आपको दिख रही होगी। इसमें आपको ड्यूल डिस्क दिया गया है, सामने भी आपको डिस्क मिलता है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। सामने आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है एंड ये सस्पेंशन का ट्रैवल है 40 mm। आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, आप एडजस्ट करके इसको लॉक कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड इसमें जो सस्पेंशन है वो काफ़ी आपको हेल्प करता है जब आप थोड़ी बैड रोड्स पर जाते हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट 1 month से चला रहा हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, सस्पेंशन एक्चुअली में काम कर रहा था इसका। यहाँ पर आपको थोड़े रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी दिए गए हैं टायर के ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी से कनेक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत वायर्स देखने को मिलते हैं। बैटरी आपको बता दूँ यहाँ पर इसकी दी गई है 10 AH की बैटरी, इसमें आपको मिलती है लिथियम आयन बैटरी, सैमसंग की बैटरी कंपनी ये बताती है। यहाँ पे आपको एक चाबी भी दी गई है, चाबी आपको निकाल सकते हैं एंड जब आपको बाइक को चलाना है तो आप चाबी वापस लगा सकते हैं। हैंडल बार के ऑप्शंस की बात करें तो आपको पहले बता दूँ कि हैंडल बार थोड़ा डिफरेंट है इसका। आप हैंडल बार को ऐसे तोड़ सकते हैं, मतलब आप डिसम्बल कर सकते हैं। स्पेशली जब आप ये ई बाइक को बाहर लेके जाना चाहते हैं, कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं, आपकी कार की जो पीछे बूट स्पेस होता है उसके अंदर आप इसको इजीली रख सकते हैं। एंड बाद में आपको असेंबल करना है तो बहुत इजी है, आप ऐसे इसको असेंबल कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी हाइट जो हैंडल की है वो ऊपर करनी है तो यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन दिया है। ये सबसे कम हाइट है, इससे कम ये नहीं होगी। इसको आपको ज़्यादा करना है तो आप ऐसे इसको खींच सकते हैं, तो इतना ऊपर आप इसको लेके जा सकते हैं। तो आपको एक बार मैं बैठ के दिखाता हूँ, अभी इसको मैंने टाइट नहीं किया है तो इसको और ऊपर खींच लेता हूँ एंड ऐसे इसको टाइट कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ सीटिंग पोस्चर आता है, जिसको ऊपर हैंडल चाहिए वो ऊपर रख सकता है, जिसको नीचे चाहिए वो ऐसे नीचे इसको रख सकता है। ये काफ़ी हैंडी फीचर मुझे लगता है, जब भी आपको ऑन द गो कभी हाइट ऊपर नीचे करनी है तो आप कर सकते हैं। हैंडल को आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये नोब को आप हटा सकते हैं, वापस इसको रख सकते हैं नीचे। हैंडल पे आपको जो ये पार्ट है आपका हाथ का, उसको रेस्ट करने के लिए आपको दोनों साइड में आपको ऑप्शन दिया है। यहाँ पर इसका थ्रोटल दिया गया है, अगर आप थ्रोटल को यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे आप नॉर्मल एक बाइक की तरह इसका थ्रोटल यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपको ब्रेक सामने यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको 3 बटन मिलते हैं, प्लस माइनस एंड ऑन एंड ऑफ का। तो बीच में जो बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 2 सेकेंड, तो ये जो स्क्रीन है ये ऑन हो जाएगी, मतलब आपकी जो बाइक है वो ऑन हो जाएगी। ये स्क्रीन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ऊपर आपको लेफ्ट में स्पीड देखने को मिलती है, पैडल असिस्ट का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बैटरी कितनी चार्ज है वो देखने को मिलती है, कितना आपका ऑडोमीटर है और कितनी ये ई बाइक चल चुकी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं चलाने के। एक मोड तो वो है जहाँ पर आप सिर्फ बैटरी यूज़ कर सकते हैं,
अगर आप बैटरी यूज़ करते हैं तो आपको 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रेंज सिर्फ एंड सिर्फ बैटरी पे दे देगा। आपको पैडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पैडल असिस्ट का मतलब है कि भाई आप जब भी ये बाइक को चलाते हैं तो आप जब पैडल फर्स्ट एंड सेकंड पैडल मारते हैं वो टाइम पे मोटर आपकी हेल्प करती है बाइक को आगे बढ़ाने के। एक तीसरा मोड है कि आप ना तो मोटर यूज़ कर रहे हैं ना जो पैडल असिस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एंड सिर्फ पैडल यूज़ कर रहे हैं। तो वो तो नॉर्मल एक जो साइकिल होती है उसके जैसा आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिर से आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ बैटरी यूज़ करते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ बैटरी का पावर यूज़ करते हैं, पैडल आप यूज़ नहीं करना चाहते, 40 किलोमीटर की रेंज आपको पक्की मिल जाएगी। मैंने इसमें टेस्ट की है, उससे आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा ही मिल जाएगी। अगर आप पैडल असिस्ट यूज़ करते हैं तो आपको 55 की जो रेंज है वो मिल जाएगी। और अगर आपको पैडल यूज़ करना है तो आपकी ताकत पर डिपेंड करता है आप कितना दूर इसमें पैडल मार सकते हैं। इसमें आपको शिमानो का 7 स्पीड डिरेलियर दिया गया है। यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है वापस तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी। आपको अगर टायर इसका निकालना है तो यहाँ से आप टायर इसको निकाल सकते हैं, इसको बस आपको बाहर खींचना है और टायर बाहर आ जाएगा। एंड बाद में अगर आपको चलाना है तो वापस इसको लॉक आप कर सकते हैं। बैटरी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बैटरी फिक्स्ड है, ये साइड में आपको चार्जिंग करने का ऑप्शन दिया है। अब एक ऐसा फीचर है जो आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आप जब भी कहीं बाहर जाते हो, आपकी गाड़ी में काफ़ी कम स्पेस है, तो ये जो बाइक है इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच दिया है और लॉक दिया है, उसको निकालना है, इसको बाहर खींचना है और ऐसे आप इस बाइक को फोल्ड कर सकते हैं। कंप्लीट ये बाइक फोल्ड हो जाएगी। ये गिर भी रही है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए। एंड अगर आपको वापस असेंबल करना है तो ज़्यादा कुछ ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बाइक को ऐसे ही छोड़ देना, अपने आप ये बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। तो ये फीचर कब आपको काम आएगा, जब आपको बाहर कहीं इसको लेके जाना है, स्पेस की कमी आपको रहती है, वो टाइम पे आपको ये फ़ीचर काम आएगा। सीट जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया है। ये सीट की हाइट सबसे कम है, अगर आपको हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो उसको आप बाहर भी खींच सकते हैं। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कंपनी ने कुछ कंजूसी की है। यहाँ पे EME मोटोरॉड लिखा गया है। बाकी पीछे आपको एक कैरियर भी दिया है, अगर आपको किसी को बिठा के लेके जाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पीछे आपको एक यहाँ पे लाइट दी गई है, जो आप नाइट के टाइम पे अगर सामने की लाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये पीछे की लाइट भी जलती रहेगी और ये एक्चुअल में काम करती है। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल में काम करती है। इसकी जो मोटर है यहाँ पे आपको पीछे की तरफ दी गई है, BLDC हब मोटर 250 वोट की ये मोटर है। बैटरी चार्जिंग की अगर बात करें तो ये 4 से 5 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में। 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैं इसको 35 किलोमीटर तक लेके जा चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कंपनी GPS से जो एक्चुअल स्पीड होती है वो मेजर करती है, लेकिन इसका जो सिस्टम कंट्रोल है, छोटी सी स्क्रीन जो दी गई है उस पर 33 से लेकर 35 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड बता रहा था। अब इसको हम लेके चलते हैं एक राइड पे और आपको बताता हूँ कि ये चलने में कैसी रहती है। ये थोड़ी सी उबड़ खाबड़ रोड है, रोड तो क्या ही है, ऑफ रोड ही है फुल, बहुत अच्छे से चलेगी। वाह, यहीं पे काम आते हैं इसके फैट टायर, नीचे टच ये होते नहीं है बिल्कुल भी, तो वो आपको टेंशन नहीं रहेगी। सुबह सुबह लोग जॉगिंग को यहाँ पे आते हैं। अब चलाने के टाइम पे ये काफ़ी हल्की फील होती है, मतलब ऑब्वियसली ये यू नो बोलते हैं इसको बाइक है लेकिन आती साइकिल कैटेगरी में ही है, तो आपको ज़्यादा वेट वगैरह फील चलाने के टाइम पे नहीं होगा। एंड फैट टायर होने की वजह से ये काफ़ी स्टेबल रहती है और चलाने के टाइम पे बहुत ईजिली आप ऐसे टर्न कर सकते हैं इसको। एंड स्पेशली जो टायर का ग्रिप है ना रोड पर वो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। ये आपको शायद साउंड सुनाई दिया होगा, ये पीछे के डिस्क ब्रेक का साउंड है, मैंने पूरा इसको दबा दिया था। एंड ऐसे ट्रिप भी कर सकते हैं। सो एक बार अगर आप इसको चार्ज कर लोगे ना, 4 से 5 घंटे इसको चार्ज करने में लगेंगे। एक बार चार्ज करने के बाद मैं आप सिर्फ एंड सिर्फ मोटर पावर पे आप देख सकते हैं, मैं कुछ भी पैडल यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एंड सिर्फ मोटर के पावर पे आप आराम से 40 किलोमीटर जा सकते हैं। एंड अगर आपको पैडल असिस्ट यूज़ करना है, पैडल असिस्ट क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप ऐसे पैडल पुश करते हो तो ये मोटर अपने आप आपकी हेल्प करती है, स्टार्टिंग में जो आप पैडल दबाते हो उसके लिए आपको मोटर हेल्प करती है, उसके बाद में आप खुद अपनी ताकत यूज़ करके इसको चला सकते हैं। अगर आप पैडल असिस्ट यूज़ करते हो तो आपको 55 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। वापस यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। सो एक बार पैडल असिस्ट इसको हटा देता हूँ। अगर आप पैडल असिस्ट नहीं भी हटाते हो, आपको पैडल नहीं मारना है, तो आप डायरेक्टली इसका जो थ्रोटल है वो यूज कर सकते हैं। त
सस्पेंशन जो है रियल लाइफ में काफ़ी काम आता है, आपको मेरी आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ज़्यादा जो बाइक है उछल नहीं रही है। एंड मज़ा तब आता है जब आप बैड रोड पे चलाते हो, भाई क्या ज़बरदस्त ये भागती है, ये कुत्ते मेरे पीछे ना पड़ जाएं। एंड यहाँ पे थोड़ी गंदगी है बिकॉज ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आ जाता है बाहर का, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको एक हॉर्न भी दिया गया है, कैसेट चलाते मेरी बाइक पक्का, लेके भाग तो नहीं जाओगे, लेके भाग नहीं जाएगा ना, चला सकते हैं, चलाते हैं अभी, मेरे को देखते चलाते, वैसे ये इलेक्ट्रिक है लेकिन चला लेते तुम पक्का, मैं तेरे पीछे बैठता हूँ फिर, तुम्हारा बाइक लगा दो यहाँ पे, तुम्हारा साइकिल लगा दो यहाँ पे, आ जाओ मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ इसे, देख तेरी साइकिल को लेके चला जाएगा मेरी गारंटी नहीं है, वहाँ तक जाएंगे हम। यहाँ पे देखो थ्रोटल यहाँ पे है, ऐसा भागते ऐसा ऐसा पैदल नको मारो, खाली उसको घुमाओ, इसको 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 ये है ना यहाँ पे, इसको घुमाओ ऐसे, देखो हाँ घुमाओ, पैदल मत मारो ऐसे घुमाओ उसको, शाबाश वाह, आराम से चलना है, बहुत भागती है ये, ब्रेक आराम से मारना है, डिस्क ब्रेक है, मेरे को लग रहा है पीछे डर। वाह मेरे शेर मेरे चीते, यूटर्न ले लेंगे वापस, तेरी साइकिल को लेके भाग जाएगा, यूटर्न ले ले, यूटर्न ले ले, बस 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 यहाँ से यूटर्न ले ले, देखो गाड़ी भी आ रही देख के, आराम से 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 आराम से, हमारे डर है भी मेरे, चलो 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 आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, स्लो 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 स्लो, टैंड ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆపండి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఆపండి, బ్రేక్ 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 డిస్క్ బ్రేక్ డిస్క్ బ్రేక్, ఆహా కేసా లగా ఇట్లా ఉంది, ఎంత తెలుసా మీకు ప్రైస్, ప్రైస్ మాలూమ్ హై తుమ్హారో కిత్నా హై, గెస్ గెస్ కరో, आप बोलो एक बार जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है, 2 लाख नहीं नहीं 80,000, मस्त है ना, 40 किलोमीटर रेंज पे जाती है ये, पैडल पैडल नहीं मारना, ऐसे मेरे तुम्हारे साथ साथ भी चलती है, देखो इसको मैं ऐसा किया ना तो अपने साथ साथ चलती है, देख ये देखो अपने आप साथ साथ चलती है, देखो ये देखो, देखा ऐसे ही ऐसा ब्रेक मारे तो रुक जाती है, नहीं ये बटन दबाना पड़ता है, ये बटन प्रेस एंड होल्ड करे तो अपने आप आगे भागती है, देखो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो अपने आप ही भागती है, देखो तुम ऐसे लेके इसको चल सकते हैं, रुक जा भाई, ये रेस है, हाँ ये रेस है और ये गियर वगैरह है, तुमको अगर पैडल मारना है हाँ। तो ये गियर वगैरह है, गियर हाँ ऐसा भी कर सकते है, मजा आया, गुड जॉब, इलेक्ट्रिक बाइक है, देख ఫుల్ హార్డ్ ఉంది కదా అది టైర్ ఫుల్ ఫ్యాట్ వస్తుంది ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ నేను ప్రెస్ చెయ్యి చెప్పండి हाँ ब्रेक ब्रेक कटेंगे हाँ ठीक है माल इधर आने में भाई का ये वाले तो चल चिन्ना का ही दिला ना यू 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 इलेक्ट्रिक बाइक अंदर का अरे रे 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 भाई चिन्ना बच्चे को हमने कर दिया है खुश बच्चे को लगी अच्छी अब ये जो बाइक है ना किसको लेनी चाहिए देखो आजकल फ्यूल का जो प्राइस है वो हमारे यहाँ पे हैदराबाद में 108 रुपये 108 पर लीटर हो गया है जो लोग 15 से 20 किलोमीटर डेली ऑफिस जाते हैं या फिर कोई भी काम को जाते हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक मस्त हो सकती है आपको कुछ भी करना नहीं है दो दिन में एक बार इसको चार्ज करना पड़ेगा और इससे क्या है आप हेल्दी भी रहोगे जहाँ आपको मोटर यूज़ नहीं करनी है वहाँ पे पैडल यूज़ कर लीजिए देखो मैं ईजिली इसको लेके जा रहा हूँ तो हेल्थ भी इससे ठीक रहती है भैया एंड तो जो लोग बाहर कहीं जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और उनको वहाँ जाने के बाद में एक ई बाइक की ज़रूरत पड़ती है तो ये ई बाइक को आप लेके जा सकते हैं इसको आप फोल्ड करके रख सकते हैं अपनी कार में अपने ट्रक में अपने पिकअप ट्रक में जहाँ आपको रखना है वहाँ पर रख सकते हैं दैट्स ऑल गाइज और कुछ आपको जानना है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आई डी है बाइकर प्रकाश चौधरी वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये इलेक्ट्रिक बाइक कैसी लगी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर